मैशमेला वसीम, कैसे हैं आप सब जी? आप सबका रमज़ान मुबारक की सातवीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से पता भी नहीं लगा और खैर से सातवां रोज़ा है। तभी चलते हैं किचन में। मैं सबसे पहले बनाती हूँ अपनी सहरी। और पीछे जो मेरे दिन मैंने रात को धोए थे कपड़े, रोज़े में थी मैं ना, कल की जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी। मन का चल मैं फारी हूँ, मैंने कपड़े धो लेती, कपड़े तो धो लिए, फिर मेरी तबीयत कोई ख़राब हुई, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं छत पर डाल दूँ। ये सारे मैंने इधर डाल दिए जो सर्दियों में डालती होती थी ना जैसे, और बाकी मैंने बच्चों के भी ये वही डाल दिए। बस मैंने बच्चों के धोए थे तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे, तो मुझे तो ऐसा था कि ना बस अभी मैंने बेहोश हो जाना। फिर मैंने कभी नहीं हुआ कि मैं अफ्तारी में रोटी खाती हूँ। कल मैंने पहली मरतबा रोटी खाई ना, ऐसी वीकनेस हो जाती है खाली पेट रह रह के, तो बहुत ज़्यादा ना वीकनेस ही महसूस हो रही थी। तो बच्चों के धुल गया, बस मेरे रह गया। मैं कहती मैं आज अपने धुल लूँगी, पर आज नहीं धो सकती। कल मारियो भाई बुला, लोगों ने कहा था हमने जाना है बाजार, वो देखा दरवाजे पे मेरे कपड़े प्रेस किए पड़े हैं, बच्चों के भी कपड़े प्रेस किए पड़े हुए, तो वो लोग नहीं आए। वो कल किचन वाले में बिजी थे भाई फिलहाल लोग, तो कल नहीं आए। तो कहती थी आज हम आएंगे तो हम लोग मिलके जाएंगे बाजार। मैंने कहा चलें ठीक है। तो आज मैंने अपने कपड़े धोए थे, पर अब मैं नहीं धो रही, उनके साथ जाना है बाजार। तो फिलहाल अभी बनाते हैं जी हम लोग अपनी सहरी, फिर आपसे इंशाल्लाह शेयर होगी आज रात की जो रूटीन होगी ना, शाम की रूटीन है। बस शाम की रूटीन में यही होता है कि खाना शाना रात का, बच्चों का दूध वगैरह बॉइल करना, और फिर बस सोने का टाइम होता है, किचन के बर्तन बस। इसके अलावा रात की रूटीन में कुछ भी नहीं होता। तो इंशाल्लाह आज मैंने बनानी है बिरयानी। वैसे बहुत कमेंट्स आते थे कि आप भी बिरयानी की फुल रेसिपी शेयर करें, आप कैसे बनाते हैं तह वाली बिरयानी। तो इंशाल्लाह जो कहते हैं ना ए टू जेड हर चीज़ मैं बताऊंगी आज आपको तह वाली बिरयानी में। तो बस मैं जल्दी से अपनी सहरी बना लूँ। पहले मैंने अभी अपनी सहरी बना ली है, फ्राई अंडा बनाया साथ अपना पराठा बनाया। तो ऊपर बैठ के हम लोग करते हैं जी अपनी सहरी, तो कुर्सी के ऊपर बिना कि मैंने फ्रिज खोली हुई थी, उसको साफ करना था, तो नीचे ना पानी आ रहा है तो इसलिए नीचे नहीं बैठ सकती। अभी नमाज पढ़ने के लिए इसको साफ़ कर लूँगी, भी फ्रिज साफ़ करनी है, सहरी कर लूँ फिर फ्रिज साफ़ करूँगी। तो अभी सबसे पहले करते हैं जी अपनी सहरी बैठ कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, टाइम है जी नमाज का। अभी मैं पढ़ती हूँ अपनी नमाज, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल शाम अपनी जो शाम की रूटीन है ना उसमें। बच्चे भी हिलना शुरू हो गया, अंदर आई ना लाइट्स लगी है ना, तो वो भी हिलना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी शाम। अभी काम से आए, आते हुए चिकन और चावल लेते आए, आधा किलो चावल आधा किलो चिकन। उसी में आज क्या रेट है चिकन का? 480। सही हो गया, पहले तो 650 तक पहुंच गया था। तो आधा किलो चिकन और आधा किलो चावल है। अभी मैं बनाऊंगी साथ था वर्दा के पैंपर खत्म होते, वसीम तो पैंपर दे गए थे, एक वर्दा को लगा दिया, एक पल्ला हुआ है। तो अभी वसीम जा रहे हैं, कितने बजे आएंगे? अफतारी के बाद। अच्छा चलो ठीक है, फिर बिरयानी बना ली तो रोल समोसे कर लूंगे। हाँ बस ऐसे कर लूंगे। ओके सेम चिकन और चावल दे गए, बिरयानी मसाला नहीं दे गए, तो बिरयानी मसाले के बगैर बिरयानी नहीं बनती। तो अभी मैं और वर्दा और जैफा जा रहे हैं जी शॉप पे बिरयानी मसाला लेने, और साथ सलाद का सामान भी नहीं दे गए, खीरा लेके ना, बाकी तो प्याज टमाटर पड़े हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ बाजार, अपना खीरा भी लेके आएंगे। ओके 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 ये देखें पुदीना धनिया हरी मिर्ची हर चीज़ ले आई हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी अपना मसाला बनाना। छोड़ो छोड़ो क्या ना, बहुत तेज लग जाएगी। मैंने अपना जो मसाला ना बिरयानी का वो सारा तैयार कर लिया, ये देखें लहसुन अदरक सारा कुछ बना लिया, पुदीना भी कर लिया और मिर्चें भी निकाल ली हैं जो लास्ट टाइम पे ना दम पे लगा। हाँ ये भी जायफा ने भी किया मेरे साथ। तो अभी चलते हैं जी भाई अपना जो गर्मा गर्म स्पाइसी वाली बिरयानी होगी ना वो बनाते हैं जाकर जी। तो अभी मैंने अपनी बिरयानी बननी स्टार्ट कर दिया, ये देखें अभी प्याज ब्राउन कर रही हूँ, हल्के से ब्राउन कर रही हूँ, और इधर साथ साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, और मैंने चिकन है जो अपना वो भी वॉश कर लिया। ये देखें चावल ही अभी मैंने किए, मैंने कहा वो पहले सारा चिकन है ना वो बिल्कुल रेडी कर लूँ ना, बाद में चावल भी घो के ना उसको बॉयल करूँगी। तो अभी साथ साथ मैं अपनी बिरयानी बनाती हूँ, रात को भी दिखाती हूँ। हमारे प्याज हम ब्राउन हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने घी रखा है गर्म होने के लिए, ये सारा मेल्ट हो जाए इसके अंदर, फिर मैंने सारा चिकन डाल के ना उसको अच्छी तरह फ्राई करना है, फिर उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो हमारा गरम हो गया उसके बाद चिकन भी सारे ये चिकन है ये सारा डाल देते हैं, फ्राई कर लीजिए। देखें जी प्याज सिर्फ आपने सिर्फ इतने से लाइट से ब्राउन करने, और यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो भी हो रहा है। अभी मैंने रात को चूल्हा साफ़ किया, देखिए फिर कितना गंदा होगा, दूध गिरा तो वो आधे सारी चीज़ें लग गई हैं। तो अभी दोबारा साफ़ करते, पहले सारी अपनी इफ्तारी के बाद करूँ जो बर्तन धोंगे ना तब, तभी इसके अंदर मैं डाल लूँगी जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी। अब इसको हलाते हैं,
बस इतना सा आपने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना तो चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। इसे लाइट ब्राउन प्याज हो तो चावलों का जो कलर है ना चावल बिरयानी का वो बहुत अच्छा आता है। जो हमारा लहसुन अदरक है वो भी ब्राउन हो गई है देखिए, और जो चिकन है वो भी यहाँ पे भूज दे। बस मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, इतना ही काफ़ी है। ये मसाला भूंजना चिकन को इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। ये देखिए मैंने चिकन का चूल्हा बंद ही किया तो मेरी मानो के रोने की आवाज़ आ गई, मानो मेरी उठी गई है ना तो ये बड़ा अंग करता है। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया था, उसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है, फिर हंसबे जरूरत मैंने सिर्फ ना आधा चम्मच मिर्चों का डाला है, क्यों ना कि मैंने बिरयानी मसाला पूरा डालना है, फिर मिर्चें तेज़ हो जाएंगे और साथ में चिकन अभी ब्राउन हो गया वो इसके अंदर डालती हूँ। अभी इतना तंग करिए एक हाथ में मैंने इसको उठाना और एक हाथ से मैंने काम करना है। ये देखिए नमक मिर्च डाल के साथ ही मैं जो अपना चिकन फ्राई किया था वो सारा डाल दिया। ये मानो को पकड़ा हुआ है, मैं हिला के दिखा दिया। बिस्मिल्लाह, रेड कलर कम है ना, कि नमक मैंने मिर्चें जो लाल है ना वो सिर्फ आधा चम्मच डाला है, क्योंकि बिरयानी मसाला पूरा डालना है इसलिए। तभी इसको भूनते हैं ना जी। अभी जो हमारा चिकन है ना वो हो गया बिल्कुल, मैंने थोड़ी सी बोटी तोड़ के देखी थी, देखिए हो गया। अभी मैंने चूल्हा तेज़ किया, मैंने कहा इसका जो पानी है वो खुश्क कर लूँ, कैमरा गंदा खा ही नहीं थी, मैंने कहा तोड़ के देखा इसके साथ चम्मच के साथ रोज है मेरा पागल। तो फिर मैं बिल्कुल लास्ट में बिरयानी मसाला डालती हूँ, जब देखिए इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जब मुझे पता लग जाएगा बस मैंने 2-4 मिनट भूनना है, फिर बिरयानी मसाला डालती हूँ। क्या आ गया, छोड़ो चावल, चावल छोड़ो ना ना खराब हो रहे हैं दोनों, छोड़े चले अंदर, चल शाप जाओ अंदर, क्या लेना है पानी चावल लेने, जाओ थोड़े से मैं दूँ, थोड़े से ले लो, ओह हैंडी करो। ये देखें जो हमारा जो चिकन है देखें बिल्कुल हो गया, अभी मुझे पता लग गया बिल्कुल रेडी हो। अभी मैं इसके अंदर डालने लगी अपना बिरयानी मसाला, अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने भूनना है और चूल्हा मैंने बंद कर दूँ ना ना करो। तो ये लें जी, बस मैं लास्ट टाइम पर डाली थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहा था, मैं पहले डाला ना भून के बेचारा जल्दी ज़्यादा उसका टेस्ट खत्म हो जाता। और ये ले जी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी, तो मैंने कर दिया चूल्हा बंद और यहाँ पर मैंने इफ्तारी की भी चीज़ें निकाल ली हैं, रोल सिर्फ 2 ही रह गए थे, मैंने सीम को मैसेज कर दिया सीम ले आएंगे, और साल में समोसे निकाले, नगर्स निकाले हैं, चिकन निकाला है, क्या कहते हैं इसको, चिकन का पीस निकाला है, मैंने कहा बिरयानी के साथ खाऊंगी इसको फ्राई करके ना, और साथ में ना वो निकाली है फ्राइज, तो ये हमारी इफ्तारी में सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं भाई ना चिकन है ना जो उसका चूल्हा बिल्कुल हल्का करके, मैं कहा पहले इस मट्टो को सला लूँ मैं, इसको जो ना हाथों माइया चढ़ी हुई है, देखिए इसको हाथों माइया चढ़ी, इसका कोई नींद नहीं आई, ये कहती मामा से बातें करो, मामा मेरे सामने रे, बस मामा कहीं ना जाए, मामा कुछ ना करे, तो क्षमा कर लो, दे छलम बच्चे हो गया अब तो, है ना, ये कौन है इतना प्यारा बच्चा। अभी मैं इसको सुला दूँ फिर मैं बैठ जाकर अपना काम करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने चावल भी भिगो दिए थे, चावल भी करीबन 10 मिनट हो गया, साथ मैंने अपना खीरा काट लिया, मैंने कहा बस खीरे की सलाद बना लेती हूँ और रहने देती हूँ, वरदा इतना तंग करिए, देखिए अभी मेरी गोद में है तो मैं कैसे काम करूँगी। चावलों का पानी बस पकने ही वाला है, पानी पक जाए फिर इसके अंदर हम लोग चावल डाल के तो हो जाएंगे, फिर हम अपनी लगाएंगे बिरयानी खाएंगे। ये देखिए जी हमारे चावल है ना जो वो बॉइल हो गए, इतनी सी चावलों में कनी रहने, ये देख रहे आपको नजर आ रहा है ना अभी कच्चे कच्चे हैं, ये देखिए इतनी सी कनी रहनी चाहिए चावलों में। तो अब मैं चावल छान लूँ तो फिर मैं इसको लगाती हूँ, एक ही तेल लगाएंगे पर इनके लिए चावल बहुत कम है और चिकन भी बस इसके हिसाब से ही है। ये पतीली भी है बड़ी और साथ में सामान है और ये है जर्दा रंग। एक मिनट पहले अंदर वर्दा को देखो, वो बहुत रो रही है, मानो कल ही है मामा से बातें, कोई वजह है हंसने की, मैं माँ थैला वर्दा तो मैंने ठा लिया दोबारा अपनी गोद में। तो अभी चलते हैं जो अपनी बिरयानी की तह लगा रहे थे वो हम लोग लगाते हैं, चावल ठंडे हो गए तो फिर तह नहीं ठीक लगेगी, तो मैं बैक कैमरा ऑन करके साथ में मोबाइल पकड़ लूँगी, देखिए जर्दा रंग कितना तेज है, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये लें जब कैमरा थोड़ा सा हिलेगा कि नौकी वर्दा मेरी गोद में बहुत मुश्किल से, बिस्मिल्लाह मानो, ये देखा मानो ना हिलो मेरा बच्चा, ना ये देखो, ये आप ये देखो, ये क्या हो रहा था, बहुत मज़े की स्पाइसी बिरयानी बनेगी। मैं नमक मिर्च तो चेक नहीं की, मैंने कहा चलें अल्लाह मालिक है, रोज़ा था अंदाजे से सारा कुछ मैंने डाल लिया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी बनेगी। मेरा रोज़ा वरना ये जो पतीली है ना इसको मैं ऐसे चाटती हूँ ना बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर देती हूँ, इसको थोड़ा बिखेर देते हैं ऐसे, ये थोड़ी सी रख लेती हूँ बाद में मैं खा लूँगी ना,
इसका अपना ही मजा है खाने का ना, इफ्तारी के बाद खा लूंगी। चलें जी, ये बाकी मैं ढांप के रख देती हूँ, मैं बाद में खाऊंगी। तो अभी डाल देते हैं अपने ये चावल जो रह गए ये भी, और अपना साथ ही डाल देते हैं जरदा रंग। मैंने वर्दा का पकड़ा, वैसे जो हमारा कैमरा ना बहुत ज़्यादा हिल रहा है, अंदर लड़ते हैं मार रहे हैं उसको जैफा ना, इसलिए नहीं मैं छोड़ी। अपना पुदीना भी डाल देते हैं और अपनी हरी मिर्च। हाँ जी, मुझे बार है, किसने बार है आपको, आप मारते हो बल्कि बहना को। और जी अभी अपना तवा रखते हैं और उसको ढांप कर दम पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने अपने चावल हैं वो दम पे रखे हैं और साथ ही मैं घी गर्म कर रही हूँ, रोल समोसे जो फ्राई करने हैं। कभी फ्राई करती हूँ फिर अंदर अफ्तारी लेके जाऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। मानो कभी कार्टून लगा के मैं अंदर बैठा के आती हूँ और मैं अपना काम कर लूँ। इना अभी जो है अपनी बिरयानी मैं दम से उतार लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, वीडियो बनाना एक ऐसे काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखें जी हमारी अम्मा गर्म बिरयानी, उम्मीद है जी बहुत अच्छी बनी होगी। जैसे मैंने तो पूरे दिल से बनाई है, देखती हैं खाऊंगी तो पता लगेगा। बस रोज़ा अफ्तार होने ही वाला है, मैंने सारा कुछ अंदर रख दिया। मैंने कहा था बिरयानी भी ले आऊँ, तभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, प्लेट में डाल के अंदर लेके जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ने सारा कुछ रख लिया, ये देखिए आई सिद्ध के आ गई मामा, आ गई देखिए कितनी खुश हो रही ना। गर्म बहुत, ये देखें जी गर्मा गर्म हमारी तै वाली बिरयानी बहुत मजे की बनी है। मजे की बनी है नानकी, अपनी चेक की रोजे में चेक करें। साथ में अपनी सलाद ले, हमने बनाए हैं समोसे, साथ है हमारी खजूरे, एक मैं जो चिकन का पीस है वो फ्राई किया, रोल है, नगट्स और फ्राइज है हमारे। हाँ जी अब आपकी बारी, क्या खिलाई थी भाई ने, खिलाई थी शोने बच्चे को। तो अभी सारी सारी कह रही सारी अफ्तार का टाइम बहुत पास आ गया, अभी बैठती हूँ और हम अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं। वहाँ पे लगा दी और जिसके साथ चीज़ें खानी वो मैं बाहर ही भूल गई। चटनी वसीम ने ना कल दिन की चटनी तैयार की थी, हाँ ये बड़ी मैंने निकाल के लेके नहीं गई, तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली वसीम करते, आज मैं दोबारा ले आऊँगा। बाकी पुदीना और हरी मिर्चें तो पड़ी हुई हैं। तो फिर रोज़ा अफ्तार उनमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट रह गए, और 3 दिन मैं अपनी मट्टा को बैठाती हूँ गोद में। खा लो खा लो खा लो ना, अभी खा लो, आ जाओ अल्लाह। हमने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ खजूर खाई, उसके काम देखे जरा। तो अभी हम खाने, सबसे पहले बिरयानी कैसी बनी है ना, हाँ ऐसे पीस खाया, इतने मजे की बिरयानी बने, ऐसे लग रहा है जैसे बाजार से बिरयानी मंगाई, बहुत मजे की बनी है। तभी हम बाकी चीज़ें भी खाते हैं, सबसे पहले अपनी बिरयानी की प्लेट ख़त्म कर लें। मैंने अभी इफ्तारी कर ली है, तो अभी मैं पढ़ती हूँ जी अपनी मगरिब की नमाज़, फिर आपकी चल मेरे कैसे बर्तन हुए, फिर ये सारे बर्तन मैंने धोने हैं, उतनी देर में वसीम आ जाएंगे। अभी काम से आ गए और आते साथ मैंने बच्चों का दूध बोल करने लगी, और मट्टों के लिए रोज़ लेके आते हैं केक, जीजी वो साथ ही उठ गया कि जीजी आ गए। मेरी आपकी चीज़ वो पड़ी अंदर, ये पड़ी जैफा, ये आपकी चीज़ पड़ी, ये देखो ये आपकी जीजी और भाई की, ये मेरी शहजादी का केक है, जे लो वर्दा। अभी बच्चों का दूध बॉईल हो गया, मैं देने लगी हूँ वसीम को खाना, शाम का बिरयानी भी बनाई वो देने लगी हूँ। दूध बिल्कुल खत्म हो गया, तो आपके साथ मैंने पहले बच्चों का दूध बनाया। देखिए कैसे धुएं निकले बिरयानी में से। अभी अंदर चलते हैं जी, वसीम को देते हैं बिरयानी, ये लें जी बिरयानी आ गई, गर्मा गर्म स्पाइसी बहुत मज़े की बनी है। ओहो मैं भूल ही गई थी, मैं लेके आई, आ रही हूँ आ रही हूँ, ये लें जी सलाद, अभी आप खाएं रात का खाना। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, किचन भी सारा मैंने नीट क्लीन कर लिया है, अभी टाइम हो गया बिस्तर पर लेटने का। तो उम्मीद है जी आपको हमारी जो रात की रूटीन है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई व्लॉग के साथ।